श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री श्रावण शिव महापुराण कथा चल रही है, उसी कथा के दौरान पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने हमें एक बहुत ही सुंदर सरल उपाय जो बताया है कि अगर जो है आपका जो धन है वो कहीं फंस गया है, आपका पैसा जो है वो आपने किसी को उधार में दिया हुआ है, लेकिन जो पैसा है वो आपका अभी वो वापिस नहीं कर रहा है, आप मांग मांग कर थक गए हो लेकिन जो है वो आपका पैसा वापिस ही नहीं दे रहा है, तो उसके लिए बिना लड़ाई झगड़े के आपका जो पैसा है वो खुद आपको वापस लौटाएगा। उसी के लिए पूज्य गुरु जी ने हमें एक बहुत ही सुंदर सरल उपाय बताया है। उपाय जो है मात्र आपने थोड़े से दही के साथ ये उपाय करना है और आप खुद देखेंगे लगातार इस उपाय को करने से थोड़े ही दिनों में आपके जो पैसे है वो व्यक्ति जो है वो स्वयं आपको वापस लौटा देगा। तो उपाय को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उपाय करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपने लेना है थोड़ा सा दही। दही जो है आप ले लीजिए। उसके बाद आपने जो है इसके साथ ही आपने लेनी है एक बेलपत्री। एक ही बेलपत्री लेनी है, साफ सुंदर ले लीजिएगा। उसके बाद आपने जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। उपाय जो आपने करना है ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए गुरु जी ने कोई भी निश्चित दिन नहीं बताया है। प्रदोष काल में कर सकते हैं, सुबह भी के समय भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। तो आपने जो है दही और बेलपत्री ले जाकर सबसे पहले आपने जो है मंदिर में जाकर अपने हाथ की हथेली में आपने जो है यहाँ पर आपने थोड़ा सा जो दही है वो आपने रख लेना है। मात्र एक चम्मच जो है वो आप दही रख लीजिए। उसके बाद आपने जो है शिवलिंग के ऊपर अपने जो हाथ की हथेली में आपने दही लिया है वो ऐसे ही हथेली जो है आपने शिवलिंग के ऊपर आपने रख देनी है। जब आप हथेली रखेंगे तो दही जो है वो शिवलिंग पर समर्पित हो जाएगा। उसके बाद आपने जो बेलपत्री ली है वो भी आपने जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि आपने जो पैसा किसी को दिया हुआ है वो जो है आपका वापिस आ जाए, और जो है अपना नाम बोलकर, अपनी कामना बोलकर, अपना गोत्र बोलकर आपने जो है ये पूरा उपाय जो है वो करना है। इस उपाय को नियमित रूप से करेंगे तो आप भोलेनाथ उस व्यक्ति के मन में आपका पैसा लौटाने का भाव जो है वो पैदा करेंगे और वो व्यक्ति जो है वो स्वयं आपका पैसा जो है वो आपको लुटा कर जाए। तो इस सरल से उपाय को अवश्य करिए, इसका लाभ हासिल करिए। उपाय जो है आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इसी महीने में ये उपाय करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य होगी। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर।